दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 और अब तक का सबसे एक्साइटिंग मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पल्ले केले स्टेडियम पर श्रीलंका की टीम का सूपड़ा साफ करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रख दिया अपने कदम। बस थोड़ी देर में होने वाला है कांटे का सबसे रोमांचक मुकाबला शुरू। तो आखिर कौन से 11 भूखे शेरों को सूर्य उतारने वाले हैं इस आखिरी चुनौती में? कब और कहां खेले जाने वाला है ये रोमांचक मुकाबला? क्या रहेगा मौसम और पिच का हाल? साथ ही साथ दोस्तों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 भी, ये तो हम आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में कौन ये तीसरा T20 मैच जीतेगा? अपनी टीम की राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आखिरी और अंतिम मुकाबला पल्ले केले इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले में हर किसी को एक ही इंतजार है कि हमारा भारत श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दे। जी हाँ दोस्तों, 3-0 से हराई श्रीलंका की टीम को तब कुछ सीरीज में आनंद आएगा और ऐसा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उनके सामने एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती आ गई है कि पहले 2 T20 मुकाबलों में तो अच्छे खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन अब बारी है कुछ युवा खिलाड़ियों की जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, उनको मौका दिया जाए। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ टीम इंडिया की हार के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस नहीं है श्रीलंका जैसी कट्टर टीम के आगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का। लेकिन दोस्तों यहाँ सूर्य कुमार यादव फिर भी एक दाव तो खेलने जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा ऐतिहासिक T20 मुकाबला 30 जुलाई को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा। यानी कि टाइमिंग तो नहीं बदली है, लेकिन क्या श्रीलंका अपनी किस्मत इस मैच में बदल पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। साथ ही अगर आप भी यह रोमांचक मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो सनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर आप इसे मुकाबले को देख सकते हैं। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो सोनी लिव ऐप पर दिखाई रही है, जहां आप सभी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। वहीं बात करें अगर मैच के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही निर्णय लेंगे, जिससे कि यहां पहले बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया 200 के पार स्कोर को पहुंचा दे। और अगर पल्ले केले में भारत के एक बार स्कोर 200 के पार पहुंचाया तो टीम इंडिया को हराने वाली टीम पैदा नहीं होगी और श्रीलंका खुद इस बात पर गौर करेगी कि वो ऐसा होने ना दे। आखिर हो भी क्यों ना, इस मैदान में आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 25 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 15 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबलों को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहले पारी का औसत स्कोर 161 रन है और आप देख ही सकते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम कितनी आगे निकल जाती है। अब दोस्तों प्लेइंग 11 टीम की बात कर लें तो क्या क्या बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं? तो दोस्तों यहां यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर खेलेंगे। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की टीम में फिर से वापसी करवाई जा रही है। रियान पराग अब टीम से बाहर कर दिया गया है और रिंकू को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब इन दोनों बल्लेबाजों की जगह पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है, तो वहीं फिर गेंदबाजी में अक्षर पटेल, खलील अहमद, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। यानी कि जीत के बाद रातों रात तो सूर्य ने सभी खिलाड़ियों की किस्मत ही बदलने का मन बना दिया और ये टीम भी बेहद खतरनाक लग रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें श्रीलंका की टीम के बारे में, तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी पाथुम निशंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, कमिंडो मेंडिस और खुद कप्तान चरित असलंका चिकन भोपाल रहेंगे। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में दासुन शनका, वानिंदु हसरंगा मोर्चा संभालेंगे और गेंदबाजी रमेश मेंडिस, महेश तीक्षण, अतीश पतिराना और अस्ता फर्नांडे करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को खेलते हुए नजर आएगी। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम ये रोमांचक मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।